क्या मुसीबत है दुर्दाना? बाजी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, आप घर आ सकती हैं? अरे जैसे ही मैं घर से निकलती हूँ तुम्हें जरूरी काम याद आ जाते हैं। अब बताओ मुझे क्या काम है, फारिग नहीं हूं मैं। बाजी, मैंने आयमा के रिश्ते के लिए लोगों को बुलाया हुआ था। मैं चाह रही थी कि अगर आप भी घर पे होती तो बहुत अच्छा होता। क्या क्या कहा तुमने? यानी मेरी गैर मौजूदगी में तुम आयमा का रिश्ता करने जा रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या करें बाजी, आपसे तो बहुत दफा बात की आयमा की, अगर आप तो जवाब ही नहीं दे रही, और अफान के इरादे तो हम सबके सामने ही हैं। तो अब ऐसे में मैं अपनी बेटी को उसके नाम पे सारी जिंदगी तो नहीं बिठा सकती ना बाजी। अफान को तो मैं देख लूंगी, तुम बस किसी को घर नहीं बुलाओगी, सुना तुमने? मना कर दो उन्हें घर आने से, आयमा की शादी मैं खुद करवाऊंगी। माफ कीजिएगा बाजी, ये जो घर में दो बहुएं आ गई हैं ना, इनके आने के बाद आपकी बात पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी वो लोग तो अब रास्ते में ही हैं, आने वाले हैं, उन्हें तो अब मैं मना नहीं कर सकती, सॉरी। तुम मेरी बात पर इनकार कर रही हो? मैं खून पी जाऊंगी तुम्हारा। तुमसे जो मैं कह रही हूँ ना, चुपचाप करो। मैं आ जाती हूँ घर, फिर करती हूँ इस बात का भी फैसला, आज या आर या पार। तुम चलो मेरे साथ। वाह, आपने तो कमाल कर दिया, रिश्ते वाले आ रहे हैं और खालों को खबर ही नहीं है। बहुत अच्छे हैं। देखते जा, वो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो मर्तबान उल्टा कर देना चाहिए। क्या? खैर जो भी है, मैं तो खुश हूँ। सब बहुत अच्छा होगा, फिक्र मत करो। चलो चलो। हाँ।